गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत मुश्किल होता है दो दिन के सेमिनार में दूसरे दिन का लंच करने के बाद कुर्सी पे बैठना, और वो भी किसी सीए को सुनना। मैं आप लोगों की पीड़ा को समझता हूँ, मैं आप लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ। अगले 45 मिनट आपके जिंदगी को बदलने वाले होंगे, ये मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक सीरीज देखी थी अमेज़न प्राइम पर, उस सीरीज का नाम था पंचायत। और ये जो दो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये उस सीरीज के ही कैरेक्टर हैं, और ये दोनों आज आपके बारे में भी बात करेंगे, मेरे बारे में भी बात करेंगे, इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करेंगे। और आज की इस पंचायत में जब मुझे यहां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भोपाल ब्रांच ने इनवाइट किया तो मुझे लगा कि पंचायत की बात जरूर होना चाहिए, जिसमें भूषण कहता है, देख रहा है विनोद कैसे ये सीए होकर मिनिस्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहे हैं। भैया हम तो सुना है ये सीए में फेलुआ बहुत होता है, भैया हम तो सुना है ये सीए में फेलुआ बहुत होता है, वो ससुरा सुनील हिरानी, भैया 7 बार फेलुआ, 7 बार, फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। भैया ससुरा सुनील हिरानी 7 बार फेल हुआ, फिर भी सरकार उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी में। ये कैसा भैया, ये कैसा कोर्स है? विनोद मोदी को नहीं सुने हो? नहीं भैया, क्या बोले मोदी? नहीं 17 बार भी फेल होना पड़ता तो एग्जाम देता और सीए बनता और यहां आता। आप लोग अगर अपने फेल होने से दुखी हैं तो ये इस पूरे कोर्स की सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी चीज है। एंड रिमेंबर,
आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले भारत इस दुनिया की 14th इकोनॉमी था, 14वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी इंडियन इकोनॉमी। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की। एंड यू विल बी द एम्बेसडर व्हेन विद इन दीज 5 years आवर इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यू विल बी द ब्रांड एम्बेसडर एंड द डे विल कम, द डे विल कम when Indian economy will be the number one economy the world, और भारत मां के इस हार में, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के धागे से बना हुआ है, एक पुष्प आप भी होंगे। There is no doubt that India will be the developed country in 2047, because the reason is UPSC में भी क्या हुआ आपने पिछले दिनों देखा। ICAI is the only institution जिसकी dignity, जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी प्रोफिशिएंसी आज तक मेंटेन्ड है और जीवन भर रहेगी, जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मेरे साथ आप दोहराएंगे, मैं गर्व करता हूं कि मैं गर्व करता हूं कि मैं सीए कर रहा हूं। मैं गर्व करता हूं कि मैं सीए हूं। मैं गर्व करता हूं कि मैं इस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हूं। मुझे गर्व है इस बात पर कि देश की प्रगति में मेरा हम सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं संघर्ष है, रास्ता कठिन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं मैं इसे पार कर सकता हूं, मैं इसे पार कर सकता हूं, क्योंकि आई एम हियर, क्योंकि आई एम हियर फॉर थ्राइविंग, नॉट जस्ट फॉर सर्वाइविंग। आई एम हियर for thriving, not just for surviving, because I am a chartered accountant. Give clappings to yourself. एक true story मैं आपको share करना चाहता हूं। लॉन्ग बैक, आदित्य आपका बर्थ ईयर कौन सा है? आदित्य का जन्म हुआ था 1993 में, 1993, एंड आई वॉज बॉर्न इन 1970। मैंक आपका 76, आप मुझे 6 साल छोटे हो, लेकिन मुझसे
10 साल पहले 1960 में, जैसे ये निर्भय बहुत ही हैंडसम बच्चा है, ऐसा ही एक सुंदर सा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना इन द ईयर 1960. ही बिकेम द CIRC प्रेसिडेंट इन 1965-66. ही बिकेम द CIRC प्रेसिडेंट इन द ईयर 1965-66. देन ही कंटेस्टेड द सेंट्रल काउंसिल इलेक्शन ट्वाइस और दोनों बार वो जीत नहीं सके, लेकिन उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा. उनका बेटा हुआ, बड़ा बेटा, उसने सीए करने का सीए ज्वाइन किया. उनका छोटा बेटा हुआ, छोटे बेटे को उन्होंने सीए करवाया. In 2016-17 ही बिकम द CIRC प्रेसिडेंट. SL छाजर साहब के लिए जोरदार तालियां. आज वो हमारे बीच में नहीं है, व्हाई यू आर हियर फॉर थ्राइविंग. सीए बनना जर्नी की एंड नहीं है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी. इट इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी. 2 बार 5 बार 10 बार फेल होना पड़े, फेल होइए, लेकिन वो गेट को क्रॉस कीजिए. मत सोचिए सीए में फेल होना, इज द प्रोसेस. आप अगर रोटी बनाना, जितनी लड़कियां यहां हैं, हालांकि ये उनके जीवन में अब ये मौके कम आएंगे कि उनको तवे पे रोटी बनाना पड़े, लेकिन बनाएंगे तो रोटी जलेगी ही. सीए के एग्जाम देना है तो फेल होना ही है, दैट इज द प्रोसेस. मैं नागपुर में अग्रसेन हॉस्टल में था, हम लोग जिस समय 90 और 95 के बीच में, उस हॉस्टल में 85 स्टूडेंट्स थे. इंजीनियरिंग वाले सब चले जाते थे छुट्टियों में और एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, बाहर टपरी थी, मैं पहुंचा, फेल हो गया था, चाय पी रहा था, एक और आया, उसके चेहरा भी उदास था, मैंने देखा पास है कि फेल है, तेरा क्या हुआ रे, आ जा चाय बुलाऊं. तीसरा आया, चौथा आया, पंद्रवा आया, आ जा दिख रहा है तू पास हो गया, इधर चाय हमारी तरफ से है. 85 में से मयंक 3 लोग पास हुए, बाकी 82 लोग फेल हुए. इन 82 लोगों ने उन तीनों को पैसे नहीं देने दिए, रात को खाना खाने गए 12 किलोमीटर दूर ढाबे पे, और हम 82 लोगों ने उन 3 लोगों को पार्टी दी, उनका मुंह उतरा हुआ था. सो यू आर हियर फॉर थ्राइविंग, नॉट जस्ट फॉर सर्वाइविंग. यस्टरडेज सेशन वॉज दिस, यू हैव हर्ड यस्टरडेज सेशंस. उन्होंने क्या बताया मुझे पता नहीं मिश्रा जी ने, लेकिन आप लोगों को मतलब जो समझना चाहिए वो ये है कि आपको सीए बनना है, उसके बाद थ्राइविंग होगी, राइट? यस. आस्क योरसेल्फ, यू वॉन्ट टू थ्राइव. आपको फलना फूलना है जीवन में सीए बनने के बाद, तो आपको अपने आप से यह पूछना पड़ेगा कि आपको सीए करना क्यों है. आपको यह अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपको सीए करना क्यों है.
एक रियल स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मेरे अपने बचपन के एक दोस्त की है। ही इज मिस्टर जसूजा, नंदलाल जसूजा उनका नाम है। फोटोग्राफी का उनका प्रोफेशन था। ही इज माय फ्रेंड। जब वो 16 साल का था, में, आप लोगों को शायद उस समय आपका जन्म नहीं हुआ था, भोपाल में यूनियन कार्बाइड जो दुर्घटना हुई थी उस समय यहाँ वो फोटोग्राफी सीख रहा था और कम से कम 10 किलोमीटर तक वो नॉन स्टॉप दौड़ करके उसने जान बचाई थी अपनी। जैसे तैसे उसकी जान बची, फोटोग्राफी वो सीख गया। 17-18 साल की उम्र में उसने अपना प्रोफेशन शुरू किया। दोस्तों, दिस इज ए स्टोरी आप लोगों के सामने। एक घटना ऐसी आप सभी ने महसूस की होगी, देखी होगी, आपके जीवन में भी शायद घटित हुई होगी। जब आप छोटे बच्चे थे, 5 साल के थे, 4 साल के थे, 6 साल के थे, आपके माता पिता ने आपको, आपके पिताजी ने एक आपको कार लेके दी थी और वो कार आपके हाथ से गिर गई। उसका गेट अलग निकल गया, नीचे का पहिया अलग निकल गया, पुर्जे पुर्जे हो गई। आपका उदास चेहरा उस बाप ने देखा, आपको अपने गले लगाया और उस कार के एक एक पुर्जे को उसने जोड़ करके वापस आपके हाथ में दिया। ये सामान्य घटना है, हम सभी के साथ घटित हुई होगी। उद्धरण अलग अलग हो सकता है, एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाप क्या करता है? बाप अपने बच्चे के सपनों को संजो कर रखता है, उसके बिखरे हुए खिलौने को वापस से जोड़ता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सन एंड अ फादर। उस बाप के सपने पूरी जिंदगी में कैसे बिखर गए मैं आपको अभी बताऊंगा, और कैसे उसके बच्चे ने अपने बाप के सपनों को संजो कर रखा। जब ये 18 साल का हुआ, इसने अपना प्रोफेशन शुरू किया। ये जो बीच में आप देख रहे हैं नंदलाल जसूजा जी, इनकी एक छोटी सिस्टर थी 2 साल, वो मेरे साथ पढ़ती थी। उसकी और उसके भाभी की, मतलब उसके बड़े भाई की वाइफ, उसकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई देवास के पास। बारिश का ही समय था और 2 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं रुकी, कोई वहां नहीं आया और उन दोनों को कोई नहीं बचा सका। उस सदमे से वो बाहर निकला, उसकी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद में निखिल, जो कि आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट निखिल है, इसका जन्म हुआ। निखिल के जन्म के बाद 2-3 साल बाद एक बच्ची को उन्होंने जन्म दिया। वो बच्ची मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और अस्वस्थ रही। बड़ी मुश्किल से उसका लालन पालन हुआ। बच्ची का जन्म हुआ और कुछ समय बाद निखिल की माँ का देहांत हो गया। लेकिन ईश्वर है, आप विश्वास कीजिए। उसके जीवन में, निखिल के जीवन में, जैसे कि माँ देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन माँ यशोदा ने उसको पाला था। जसूजा जी की रीमैरिज हुई और इन्होंने, जैसे माँ यशोदा ने अपने बच्चों को, श्री कृष्ण को अपने बेटे से बढ़कर प्यार दिया, वैसा प्यार इन्होंने निखिल और अपनी बच्ची को दिया। बहुत अच्छा जीवन चल रहा था,
निखिल की उम्र 11 साल थी, उसकी छोटी बहन की डेथ हो गई। वो कार, वो सपना, वो दुनिया फिर से बिखर गई। मोबाइल का युग आ गया, फोटोग्राफी का इसका बिजनेस बंद हो गया। कार थी, टू व्हीलर थी, सब बेचना पड़ा, साइकिल पे आ गया। निखिल की पढ़ाई भी बहुत संघर्ष के साथ हुई। निखिल अपनी ट्यूशन लेता था, उसकी मदर घर पे ब्यूटी पार्लर चला करके जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से निखिल ने पढ़ाई की। एंड आफ्टर 12th बहुत मुश्किल के साथ निखिल को इन्होंने सीए करने भेजा। दो अटेम्प्ट सीए बोध ग्रुप, सीए फाइनल बोध ग्रुप, एंड फाइनल में नागपुर सेंटर पे टॉप किया। आर्टिकलशिप से 6 महीने की छुट्टी ली, सबसे पहले मोबाइल बंद किया, नो मोबाइल, बिना मोबाइल के उसने 6 महीने पढ़ाई की। डिस्ट्रैक्शन आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपको डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं होना है। आपको क्या लगता है, निखिल सीए बनने के लिए पढ़ने गया था? नहीं, निखिल सीए इसलिए करने गया था, उसने सीए इसीलिए कंप्लीट किया कि अपने पिता की बिखरी हुई जिंदगी को अब वो समेटना शुरू करेगा। आप मेरा नंबर इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, मुझसे बात कीजिएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, निखिल कहां है, उसके पिता कहां है। दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। What is your reason? What is your reason? What is your reason? What is your reason to become a chartered accountant? For that, if you are losing 1, 2, 3, 5, 7, 10 attempt, 11 attempt, 12 attempt, it is nothing. That is not the cost you are paying to fulfill your dreams. To fulfill the dreams of your parents, to fulfill the dreams of the society. When you become the chartered accountant, जिस गली मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिन रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच में आप रहते हैं, अचानक सुबह 10 बजे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और वहां आप मार्कशीट आती है और आप पास हो जाते हैं, विद इन सेकेंड्स आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को पता चलता है कि आप सीए हो गए हैं। कल तक जो आपको बोलता था, अरे रिजल्ट का क्या हुआ मालूम है, उसको पिछले अटेम्प्ट में फेल हो गया है। तुम्हारा रिजल्ट आया था ना निखिल, क्या हुआ? वो आएगा, मुझे तो पास था जसविंदर जी, मुझे तो पता था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, पास होगी होगी, समझ लो आपका नाम। जसविंदर मेरा एक दोस्त है वैसे, बाय द वे आपका नाम क्या है? मनमीत। हाँ मनमीत जी, थोड़ा सा इसका फील थोड़ा अलग आ रहा मनमीत का, ये लड़कियां समझ गई मैं क्या बोल रहा हूं। एनीवे, सेशन चेयरमैन कौन है? सेशन चेयरमैन नहीं, मैं कोट उतारना चाह रहा था, गर्मी हो रही है। इफ यू अलाउ मी, भैया देखो ये सीए के कार्यक्रम है, यहां बिना पूछे प्रोटोकॉल रहता है हर चीज का। सर पारुल मैडम बुरा लग गया उसको? नहीं नहीं, वो मनमीत को, मनमीत बाहर चला गया ना,
अच्छा वो दूसरा था क्या? आई एम सॉरी मनमीत, आई एम वेरी सॉरी. मेरे छह दोस्त हैं, मैं नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ. आप आगे बैठिए प्लीज. आप भी सीए? आप बोलो मैं सीए हूं. हाँ हो जाओगे. After becoming a chartered accountant, in fact, आप सीए क्यों होना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए. नंबर वन, एंड when the date of becoming a chartered accountant, that will be the incorporation or incorporation date of you Inc. Got my point? That will be the incorporation date of incorporation for you Inc. And that was the date of incorporation. When in 1995 कुमार मंगलम बिरला बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिरला ग्रुप में उसकी एंट्री हुई, $2 बिलियन का बिजनेस था, आज $80 बिलियन का बिजनेस है इन 30 years. दैट इज द पावर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आप अगर एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल बाद आपने अपने 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 बिजनेस की, अपने पिता के, अपने चाचा की बिजनेस की नेटवर्क को देखिए, जो बिजनेस वो पिछले 60 साल से 40 साल से कर रहे थे और आपके सीए होने के बाद, आपकी एंट्री के बाद उनका बिजनेस कहां गया. दैट इज द पावर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दैट इज द पावर ऑफ यू इंक. राइट, दिस इज द चार्ट ऑफ इंफोसिस. 1993 में उनका पहला पब्लिक इशू आया. 100 रुपए, 95 रुपए का शेयर था. कहां गया? तो आपको यह देखना है कि आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे. ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आसान है सीए बनने के बाद. वास्तविक संघर्ष सीए बनने के बाद है, पहले नहीं. मेरी बात आप विश्वास रखिए, जब आप सीए हो जाएंगे ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 3 साल बाद, 20 साल बाद, याद करोगे उन दिनों को जब आप सीए की पढ़ाई करते थे, रिजल्ट आता था, फेल होते थे, जिसको आपने पढ़ाया वो पास हो गया और आप फेल हो गए. होता है. मेरे एक दोस्त ने मुझे अकाउंट्स, मैं साइंस का स्टूडेंट था, पहला अटेम्प्ट दिया, 19 आए नंबर अकाउंट्स में, 100 में से 19 नंबर. एक घनश्याम रामचंदानी था, मेरिट में आया था, मैं उससे पास गया. कभी भी अपने से ऊपर देखना, जो पास हुआ होगा उसके पास जाना, सलाह उससे मत लेना जो फेल हो गया. मैं वो घनश्याम रामचंदानी के पास गया, उससे पूछा, यार मेरे 19 नंबर आए, लोग तो हॉस्टल में तो सब बोल रहे थे कि तुम मेरिट में आओगे. तो उसने कहा, तूने कितने नंबर का अटेम्प्ट किया था? मैंने कहा, पूरा 100 नंबर का. बोले, इसीलिए फेल हो गया. मैंने कहा, है भैया ई का? बोले जितना कर सही कर. नेक्स्ट अटेम्प्ट में आदित्य, मैंने 55 नंबर का अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व किया, 42 नंबर आए. सच बता रहा हूं. और अकाउंटिंग के जो 3 रूल है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, अभी जो भी अभी भी प्रॉब्लम है वो उसको एक अटेम्प्ट लगा समझने में, एक अटेम्प्ट. राइट, कोचिंग क्लास करने गए दरियापुर कर सर के यहां, पहला दिन था, उनने कोई बोला भैया उसको साइमल्टेनियसली इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, अब इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, साइमल्टेनियसली का मतलब ही नहीं मालूम था, हिंदी मीडियम से पढ़े वाले थे तो 2 अटेम्प्ट तो उसी में घुस गए साइमल्टेनियसली को समझने में. ऐसी बहुत स्टोरी है, टाइम बहुत लिमिटेड है. आप लोगों ने, आप में से कौन कौन कार नहीं चलाता है? कौन कौन कार नहीं चलाता है? बाकी सब लोग चलाते हैं? आप लोग नहीं चलाते? चलाते. हम जब कार सीखते हैं तो उसमें हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन जब हम इतनी बार
कार चला चुके होते हैं तो हम गाना सुन रहे हैं, आंखें भी बंद है लेकिन कार चल रही है, होता है। और खासकर तब समझ जाना यार, राइट। लेकिन अचानक से वो बाजू से एक कुत्ता आता है और सामने आ जाता है और आपका पैर कहां जाता है? दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक छोटा बच्चा है, एक साल का, वो मोमबत्ती के पास जाता है, मोमबत्ती की आग में लौ में हाथ लगाता है, उसका हाथ जल जाता है, फिर बाद में पूरे जिंदगी में कभी वो हाथ नहीं लगाता। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दैट इंसिडेंट रिकॉर्डेड इन हिज माइंड। मेरे पूरी सीए की जर्नी में दो घटनाएं मेरे खुद के साथ घटी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सीए इंटरमीडिएट का एक पेपर था अकाउंट्स का या कंपनी अकाउंट्स का पता नहीं, उसमें एक क्वेश्चन आया, वो पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा अकाउंट्स का, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ये है अभी इंटर में कहीं, मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं था। मैं अकाउंट्स की तैयारी ऐसे करता था कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये छोड़ना है, राइट। अब वो आ गया 15 नंबर का क्वेश्चन, आ गया, उन्होंने कहा 3 महीने का प्रॉफिट इधर, 9 महीने का प्रॉफिट इधर। मैंने कहा 3 महीने और 9 महीने की बैलेंस शीट बनाना है मुझे, ऐसा लग रहा है। मैंने बना दी, ओ सही हो गया। वो पूरे चारों ग्रुप में एक ही क्वेश्चन मेरा पूरा टैली था, अदरवाइज आदित्य पूरी सीए की जर्नी में मेरी वो एक ही बैलेंस शीट टैली थी जो मैंने चैप्टर पढ़ा नहीं था। दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब ये ब्रह्मांड आपको सक्सेस करना चाहता है तो आपको आपका दिमाग भी चलने लगता है। वर्ल्ड कप, इंडिया हार गया, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा कि रोहित शर्मा के 6 महीने कैसे निकले, पॉजिटिव अफर्मेशन उसके दिमाग में यह जाता था कि ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कब खेलूंगा, एक ही चीज दिमाग में थी, क्या वो स्टार्स, क्या नाम था उसका, हाँ, दुनिया का खतरनाक बॉलर, और उसके दिमाग में एक ही चीज थी, ये स्टार्क को खेलना है मेरे को। ये तो सब आप जानते होंगे, दैट इज पावर ऑफ अफर्मेशन। 6 महीने तक वो दिमाग में ये भरता रहा, तू आ तो सही मेरे सामने, स्टार्क तू मेरे सामने आ। एंड द डे केम, 92 स्टार्स के वो एक ओवर में कितने 27 बनाए थे, 29 रन्स। मुझे ये बताओ, क्या स्टार्स की गेंदबाजी खराब थी? नहीं, दैट वॉज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो कैसी भी गेंद करे, तेरे को छक्का कैसा मारना है, ऐसा मार, ऐसा मार, ऐसा मार, दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपको अपनी सीए की जर्नी में ही नहीं, सीए बनने के बाद भी अपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, आपको यह अपने माइंड को बताना पड़ेगा, मोमबत्ती में हाथ मत डाल। कुत्ता आया है तो ब्रेक लगा, राइट। दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? चल भाई,
एक बार और चला। आदित्य खत्म हुआ, प्रेडिक्शन चल रहा था 97% इंडिया के हारने के चांसेस है, दक्षिण अफ्रीका के जीतने के चांसेस 97% है और इंडिया के जीतने के चांसेस 3% है। ये आपने सभी ने देखा होगा। व्हाट इज द पावर देन इंडिया जीता? यस एंड That was the power of सोलवे ओवर के बाद जो मीटिंग ली थी ना, रोहित शर्मा ने एक मीटिंग ली थी, एक मोमेंटम ब्रेक हुआ था, आप लोगों ने यह सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यह है, जब हम सब कमिटेड हैं सफलता के लिए तो यह ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। ये सुना होगा आपने, सीक्रेट फिल्म देखी होगी, सीक्रेट आप वो पढ़ोगे, किताब तो बहुत अच्छी किताब है। ऐसा क्या हुआ सोलवे ओवर के बाद कि 3 ओवर में पूरा गेम चेंज हो गया और इंडिया जीत गई? दैट इज द बेस्ट एग्जांपल एवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पूरा ब्रह्मांड चाहता था कि भारत जो है विजयी बने, क्योंकि हमारा मस्तक ईश्वर ऊपर रखना चाहता था। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। And one more example I want to share with you, which is my own example. CA final में costing का paper अभी है? हटा दिया। You are lucky. लेकिन FR आ गया, हमको नहीं था। Audit का paper easy आता था हमको। कॉस्टिंग का एक पेपर, एक क्वेश्चन, मैं मुझे टॉपिक याद नहीं है, मैं दोपहर को 2 बजे तक खाना वाना खा करके करीब 2 घंटे मैंने एक क्वेश्चन किया, उसकी लास्ट स्टेप पे आकर के मैं अटक गया और करीब 30 से 40 मिनट मैंने ट्राई किया और मैं रख करके सो गया। आधे घंटे बाद मुझे एक सपना आया और सपने में वो लास्ट स्टेप मैं कर रहा हूं मुझे याद आई। एकदम से मेरी नींद खुली, मैं उठा, सीधे टेबल पे गया और उस स्टोव को वैसा का वैसा किया, वो वैसा का वैसा हो गया। ये आपके साथ होगा, आपके साथ होगा। दैट इज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो लोग सीए हो गए उनके बारे में बताता हूं, जो लोग बहुत बार फेल हुए हैं, मैं भी उसमें से एक हूं। सीए होने के बाद कई बार ऐसा लगता है हमको, सपना आता है, अभी सीए नहीं हुए, फेल के रिजल्ट के बहुत सपने आते हैं सीए लोगों को, तो आप अपने अपने बॉस से पूछना, पहले पता कर लेना कितनी बार फेल हुआ है, राइट? डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का? यू वांट डेमोन्स्ट्रेशन? अब कैसे दूं? आदित्य तो ग्रेट पर्सनैलिटी है, हमसे कहां कंपेयर कर रहे हैं उसको। 2024 3 अगस्त 4 अगस्त ये भी आप भूल जाओगे, कौन कौन से स्पीकर थे, सेशन चेयरमैन कौन था, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा था, क्या सुना था, क्या बोला था, क्या पूछा था, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन 2 चीजें याद रहेगी। कौन कौन सी 2 चीजें याद रहेगी मैं आपको बताता हूं। पहली बात आपको ये याद रहेगी कि एक व्यक्ति था जो टोपी पहन के वहां से डांस करते हुए, हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है, एक देसाई साहब का वो डांस आपको याद रहेगा। और दूसरी बात जो आपको याद रहेगी कि एक पगला आया था जिसने चॉकलेट फेंकी थी।
मैडम वो मैडम ने एक उठा ली अपनी खुद सॉरी इधर कम दिया है, मैं इसलिए इधर नहीं दिया, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज सीए लोग बैठे हैं, बोले कि यार ये कहां से इसको बुला लिया हमने, राइट पूरी जिंदगी में आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद भी जब आप किसी ऐसी सेमिनार को याद करोगे तो आपको एक बात जरूर याद आएगी कि यार एक सेमिनार में एक स्पीकर आया था, आपको नाम याद नहीं रहेगा, आपको मेरी शक्ल याद नहीं रहेगी, लेकिन आपको यह याद रहेगा कि मुझे चॉकलेट नहीं मिली थी What is the CA course? CA course है क्या? उसने जो पिछले 4 सालों में संघर्ष किया है, संघर्ष को कैसे लड़ाई करना है, संघर्ष को कैसे पार करना है, ये ऑडिट या FM या SFM और FR को पास करने की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये अपने अंतर द्वंद से लड़ाई लड़ने की जंग है। जब आप 24 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं और आपके साथ पढ़ने वाला एक इंजीनियर जो इंजीनियर बन गया, 40 लाख का उसका पैकेज है और आपका एक ग्रुप बचा हुआ है, पिछले 4 अटेम्प्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके घर वाले आपकी तरफ प्रश्न चिन्ह लगाकर देखते हैं, आपके दोस्त आपकी तरफ प्रश्न चिन्ह लगाकर देखते हैं, आप खुद अपने आप को एक प्रश्न चिन्ह लगा करके देखते हैं, ये वो लड़ाई है। आप उस संघर्ष को कैसे पार करेंगे, ये वो सीखने की जिद है। जीवन में जब आप सीए बन के आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, मैं तो एक छोटे से शहर में रहता था, लेकिन आप जिस दिन सीए बन जाएंगे उस दिन ये दुनिया आपके लिए आंखें भी बिछाएगी, पलकें भी बिछाएगी और बाहें भी फैला करके आपके लिए खड़ी रहेगी। आप अपने नाम के आगे वो सीए लगाइए जल्दी। हम सब की स्थिति अर्जुन जैसी है सीए में, अर्जुन विषाद में है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन ये सब उसे अपने दिखते हैं और एक सीए स्टूडेंट ये देखता है कि कल तक तो ये ऑडिट मुझे बहुत सरल लगता था, ये FR SFM इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स ये मुझे अपने से लगते थे, आज ये पराए क्यों हो गए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये छुपा हुआ है कि आप सीए कैसे बन सकते हैं। जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं, सदैव जब तक सीए नहीं हो आप डूबे रहो उसमें और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, बी डिवोटेड टू योर प्रिंसिपल टू योर सब्जेक्ट, एवं जिनका मन सदैव मुझमें तल्लीन रहता है, देयर विल बी नो डिस्ट्रैक्शन, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। इफ यू हैव क्लियर सीए इंटर, आपके स्वामित्व में सीए इंटर है। इफ यू हैव क्लियर सीए फाउंडेशन, आपके स्वामित्व की रक्षा ईश्वर करता है और जो कुछ उनके और उनकी रक्षा करता हूं और जो उनकी वेलबींग के लिए जो चीज चाहिए वो मैं उनको देता हूं। दोज पर्सन हु वर्शिप मी मेडिटेटिंग ऑन देयर आइडेंटिटी विथ मी एंड ईवर एवर एवर डिवोटेड टू मी, टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड फॉर देम आई प्रिजर्व व्हाट दे ऑलरेडी हैव। अर्जुन उठा गांडीव, युद्ध कर, विजय निश्चित है, विजय निश्चित है, विजय निश्चित है। थैंक यू।